हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस समय हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट के द्वारा रिविज़न व अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में ग्राम समाज व विकास को देखेंगे, जो दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं का होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला बिंदु है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर दोस्तों, वर्गीज कुरियन को। किसको दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों, बिंदु नंबर दो, जया पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? जया पद्मा एवं कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, धान की। किसकी? धान की। तीन नंबर देखते हैं दोस्तों, एक फसली कृषि विशेषता है, एक फसली कृषि विशेषता है क्या दोस्तों? व्यापारिक अन्य कृषि की, व्यापारिक अन्य कृषि की। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा मसाला दोस्तों, अगला पॉइंट है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है दोस्तों, काली मिर्च को। किसको? काली मिर्च को। अगला पॉइंट देखते हैं, स्टॉक फार्मिंग है, स्टॉक फार्मिंग है, स्टॉक फार्मिंग क्या दोस्तों? पशुओं में प्रजनन, पशुओं में प्रजनन। दोस्तों, ये ग्राम समाज एवं विकास का महत्वपूर्ण बिंदुओं का ये वीडियो है, जिसमें दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण जो ग्राम समाज एवं विकास से बनते हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। दोस्तों, आप इनको पढ़ें, इनके आंसर्स को अच्छे से दोस्तों देखें व दोस्तों इनका पुनः रिविज़न करें, ताकि दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एग्ज़ाम में पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। दोस्तों, ये विकल्प की तरह ना होकर एक पॉइंट की तरह है दोस्तों, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन कवर होंगे। चलिए दोस्तों, अगला बिंदु देखते हैं, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो आंसर होगा दोस्तों, भारत। भारत क्या है? दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? दोस्तों, कौशल जो है वो मूंगफली की उन्नत प्रजाति है, मूंगफली की। अगला पॉइंट देखते हैं, शक्तिमान वन, या दोस्तों कह सकते हैं शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड, आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं। किसकी दोस्तों? मक्का की। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड, आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, तो मक्का की हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पूसा सुगंधा फाइव एक सुगंधित किस्म है। किसका दोस्तों? पूसा सुगंधा फाइव एक सुगंधित किस्म है। किसका दोस्तों? धान का। किसका दोस्तों? धान का, पूसा सुगंधा फाइव। अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न फसलों पर दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल। अगला पॉइंट देखते हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम, अगला पॉइंट दोस्तों, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं सिक्किम में, सिक्किम हमारा दोस्तों नॉर्थ में पड़ता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों एक पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी छोटा राज्य क्षेत्र है दोस्तों, तो वहाँ पर कृषि क्षेत्र हमें कम ही देखने को मिलेंगे। ये तो दोस्तों गैस लगाने का क्वेश्चन है। अगला बिंदु, धारणीय कृषि का अर्थ है दोस्तों, हमें धारणीय कृषि का अर्थ बताना है दोस्तों, तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसका गुणवत्ता अक्षुण बनी रहे। दोस्तों, आप धारणीय विकास पढ़ चुके हैं पर्यावरण के बारे में, वहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों किसी चीज़ का इतना ऐसे यूज़ करना कि ताकि दोस्तों वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित बना रहे, उसकी गुणवत्ता नष्ट ना हो। यानी इसी तरह दोस्तों धारणीय कृषि का भी अर्थ होगा कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसकी गुणवत्ता दोस्तों स्थिर बनी रहे, नष्ट ना हो। अगला पॉइंट देखेंगे, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? हमें लोकेशन बताना है तो दोस्तों मैसूर में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बागवानी, अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, हमें समय बताने हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना यानी कब हुई, 1984 में। अगला पॉइंट देखते हैं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं, तो दोस्तों किस देश से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला पॉइंट, हरित क्रांति से आशय है, हमें हरित क्रांति से आशय बताने हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं काफी जी, उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। अगला पॉइंट, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था दोस्तों, तो मैक्सिन गेहूं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था, तो वो था मैक्सिन गेहूं। अगला पॉइंट, भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास से क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि यानी ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है, तो दोस्तों पंजाब राज्य ने की है, किसने, पंजाब राज्य ने। अगला पॉइंट देखते हैं, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध बताना है दोस्तों। अगले पॉइंट में इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है दोस्तों, तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति से, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति से। अगला पॉइंट, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है कैसे, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा एवं नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। एक बार और इसको रिविजन करते हैं, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है कैसे, तो उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा एवं नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय चावल, भारतीय चावल शोध संस्थान हमें बताना है दोस्तों, लोकेशन पूछा जा रहा है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कटक में। कटक कहाँ पड़ता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं उड़ीसा में पड़ता है। अगला पॉइंट, रबी फसल की बुआई की जाती है, कब की जाती है दोस्तों, तो अक्टूबर नवंबर में, हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना दोस्तों, तो 6 से 7, कितना, 6 से 7। हम लोग दोस्तों उदासीन भी पढ़ रहे हैं, 6 से कम मिट्टी लौड़िए, मिट्टी छारिए, ठीक वहीं से क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना, 6 से 7। अगला पॉइंट, गेहूँ की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। अगला पॉइंट, किस समूह की फसलें नकदी हैं, किस समूह की फसलें नकदी हैं, तो हम लोग जानते हैं कपास एक नकदी फसल है, गन्ना एक नकदी फसल है, केला एक नकदी फसल है, जूट एक नकदी फसल है, जैसे भी विकल्प आए दोस्तों आप इसे आंसर कर दीजिए। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है कौन से फसल के उत्पादन में दोस्तों, तो गेहूँ के उत्पादन में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। अगला पॉइंट, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का भी सर्वाधिक प्रभाव इसी फसल पर पड़ा था। अगला पॉइंट, फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, तो वो क्या है दोस्तों, करेस, क्या, करेस। अगला पॉइंट, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ, हम लोग गेहूँ का देख चुके हैं, हमें चावल का आदर्श स्थिति देखना है, तो दोस्तों 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीग्रेड कितना होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, इससे ऊपर तापमान, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा यानी अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान होना चाहिए चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु क्षेत्र। अगला पॉइंट, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर हमारे देश में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो चावल, कौन सा दोस्तों, चावल। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपका ग्राम समाज का तो क्लियर हो ही रहा है, साथ में दोस्तों आपके जीके के सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि ग्राम समाज एवं विकास एवं सामान्य ज्ञान जो दो आपके टॉपिक दिए गए हैं लेखपाल मुख्य परीक्षा में दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, आप थोड़ा गहराई से पढ़ें दोस्तों, आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे दो टॉपिक बचे हैं, सामान्य हिंदी और
गणित, जो दोस्तों हम लोग बारी बारी से कवर करते हुए आ रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है किसका दोस्तों? जेडन यानी जिंक की कमी। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। दोस्तों भारत में कौन से क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है ऐसा पूछा जा रहा है, तो दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से भारत में जाना जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऐसे दोस्तों आप नदियों के से दोस्तों आप वहाँ के लोकेशन से भी जान सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र पड़ता होगा दोस्तों कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के आसपास, तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन निकाले जाते हैं उनके आंसर। अगला पॉइंट, कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो दोस्तों क्या है? नीलहरित शैवाल। क्या दोस्तों? नीलहरित शैवाल। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कपास का कौन सा क्षेत्र अधिकतम उत्पादन करता है ये हमें बताना दोस्तों, तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गुजरात और महाराष्ट्र लगभग यहाँ पे पड़ते हैं उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में, वहीं पर दोस्तों कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो वही फसल है दोस्तों जो हम लोग पढ़ चुके हैं यानी कपास। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य दोस्तों तो गुजरात है, हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा पूछा तो गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आएगा दोस्तों। लगातार हम तीसरा क्वेश्चन एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, पहले में दोस्तों हम लोग लोकेशन देखिए उत्तर पश्चिम पश्चिमी भारत जो दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र होता है, दूसरे में दोस्तों श्वेत स्वर्ण जो महाराष्ट्र में जाना था कपास की फसल के लिए, और तीसरा दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है कपास का। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, गन्ने में कब शर्करा की मात्रा घट जाती है बताना दोस्तों? पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो दोस्तों गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। अगला पॉइंट, सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा है, सोयाबीन का जो दाना होता है दोस्तों तेल की मात्रा तो 20 से 22%। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के किस राज्य में कहवा रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है दोस्तों? तो कर्नाटक क्षेत्र में या दोस्तों कर्नाटक राज्य में ऐसा भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, हम लोग जानते हैं दोस्तों दलहनी फसलों का भारत, एक मिनट दोस्तों, भारत दोस्तों हमारा क्वेश्चन था भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है तो किसका दोस्तों? दलहनी फसलों का यानी दाल का। हम लोग जानते हैं दोस्तों दलहनी फसलों का भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य बताना है दोस्तों, हम लोग काफ़ी टाइम से इसको पढ़ते चला रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय वो असम राज्य में होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं बागवानी कृषि की विशेषता वहाँ पे, वहाँ की दोस्तों जलवायु वहाँ के अनुकूल है, हम लोग जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों वहाँ का मौसम भी, इसलिए दोस्तों असम हमारा चाय उत्पादक भारत में सबसे अग्रणी है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य सस्य हैं क्या हैं दोस्तों? बागानी के द्वारा हम लोग जान के दोस्तों एक चाय हो ही गया, रबड़ हो गया, नारियल हो गया, कहवा हो गया, कोको भी होता है दोस्तों हम लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ भारत में पूछा गया तो मुख्य रूप से चाय, रबड़, नारियल और कहवा। अगला पॉइंट, झूमिंग अथवा पैढ़ा पद्धति क्या है दोस्तों? हम लोग जानते हैं पढ़ते चला रहे हैं दोस्तों हमारे देश में भी पूर्वी या नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में दोस्तों झूमिंग कृषि अभी भी की जाती है दोस्तों, जो जंगलों को काट कर और दोस्तों वहाँ पे कुछ समय तक खेती की जाती है, जब उनकी उर्वरता खत्म हो जाती है दोस्तों तो वो क्षेत्र छोड़कर और लोग दूसरे क्षेत्र पर ऐसा काम करते हैं, तो दोस्तों आंसर होगा हमारा जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, झूमिंग सर्वाधिक बृहत्तम है दोस्तों नागालैंड में, हम लोग जानते हैं पूर्वी भारत में, ये हमारा आंसर दोस्तों नागालैंड। अगला पॉइंट, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य दोस्तों हमें बताना, तो पश्चिम बंगाल हम जाते हैं, जूट उद्योग उत्पाद हमारा पश्चिम बंगाल अग्रणी है। अगला पॉइंट, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, हम लोग वही दोस्तों क्वेश्चन एक ही है पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट देखेंगे, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों केसर हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट, चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की प्रमुख समस्या है, चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या कहाँ कहाँ की दोस्तों? असम तथा झारखंड, असम तथा झारखंड की। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम लोग, अगला पॉइंट है दोस्तों हमें बताने हैं
किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो दोस्तों केले का सर्वाधिक उत्पादन वो तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। अगला पॉइंट देखेंगे, मक्का की फसल पकने की अवधि है दोस्तों तो 140 दिन। अगला पॉइंट, लौंग प्राप्त होती है दोस्तों, हम लोग जानते हैं पुष्पकली से या कली भी लिख के आता है। अगला पॉइंट, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है वो खाद का संग्रहण करता है, वह कहलाता है दोस्तों क्या? प्रकंद। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं वन डे एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप इनको पढ़ें, इनका दोस्तों कॉन्सेंट होकर आप रिविज़न ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों में विकल्प में आपको दोस्तों कन्फ्यूज़न ना हो, विकल्प जैसे भी दिए जाएँ दोस्तों सटीक दिए जाएँ या दोस्तों विकल्प आपके ईजी हों, दोस्तों अगर आप रिवीजन किए रहेंगे तो आपको दोस्तों आपके आंसर्स करने में सहजता होगी। अगला कुछ पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ललित एक उन्नत किस्म है। ललित किसकी किस्म है दोस्तों? वो है अमरूद की। किसकी? अमरूद की। ललित जो दोस्तों है वो अमरूद की उन्नत किस्म है। अगला पॉइंट देखेंगे, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजात कौन सी है दोस्तों? आम की पसंदीदा प्रजात तो है दोस्तों अल्फांजो। क्या? अल्फांजो। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? कहाँ पे? तो पंतनगर में हुई थी दोस्तों, हम लोग जानते हैं तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उत्तराखंड में। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे हमें बताने हैं लोकेशन? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान तो दोस्तों मैसूर में है, हम लोग जानते हैं मैसूर कर्नाटका। अगला पॉइंट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है तो कहाँ से दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ICAR, हम लोग जानते हैं दोस्तों। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी कौन थी? थी वो थी जया, जया किस्म दोस्तों, ये बौनी धान की किस्म थी। अगला पॉइंट, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है, भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है तो कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा रिपीटेड है, तीन तरह से दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके आंसर्स आ रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल, आप इनको दोस्तों कॉन्सेंट होकर इनका रिवीजन कीजिए। अरहर का जन्म स्थान हमें बताना है दोस्तों तो भारतवर्ष है, अगला पॉइंट है हमारा। आगे देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, अरहर का जन्म स्थान हमारा हो गया दोस्तों भारत में। अगला पॉइंट है, लौंग की खेती होती है हमें बताने कहाँ पे दोस्तों? हम लोग जानते हैं केरल में, आप जानते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला पॉइंट, भारत में तंबाकू, अगला पॉइंट है दोस्तों भारत में तंबाकू, एक मिनट दोस्तों, भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक दो राज्य दोस्तों, तो नंबर एक पर है गुजरात और दूसरा दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये दोस्तों क्रम से है, सबसे ज़्यादा दोस्तों गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट देखेंगे, कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं दोस्तों? तो मोटे अनाज तथा चावल की, हम लोग जानते हैं ये मुख्यतः खाद्य फसलें और दोस्तों ये मुख्य रूप से निर्वाह मूलक यानी दोस्तों रोजी रोटी के लिए आप जानते हैं दोस्तों कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। अगला पॉइंट, धान है, बरसीम है, गेहूँ है, ये मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, ये हमारा पॉइंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है तो मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। इन चारों विकल्पों में दोस्तों आपको मूंगफली में ज़्यादा जिप्सम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हमें बताना दोस्तों तो वो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। और अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो वो है दोस्तों कानपुर में। अगला पॉइंट दोस्तों, आप एक दोस्तों एक अनुसंधान संस्थान आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इन चीज़ों को दोस्तों जो हाईलाइट जो मेन मेन बिंदु हैं दोस्तों उनमें से आप अधिकतर को याद कर लीजिए दोस्तों, आपके आंसर्स वहीं से मिल जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारतीय गन्ना हमारा दोस्तों लखनऊ में हो ही गया, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अगला पॉइंट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हमें बताने हैं तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान दोस्तों बेंगलुरु में है। और ग्रीन गोल्ड कहाँ पे है दोस्तों? ग्रीन गोल्ड क्या है दोस्तों? पूछा है ग्रीन गोल्ड क्या है, हम लोग हरित दोस्तों लो वो सोना जो है उसके नाम से पढ़ चुके हैं दोस्तों, यहीं पे वही है
तो क्या है दोस्तों, वो चाय है। क्या है? चाय है। अगला पॉइंट, चेना फजेंडा झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? क्या है दोस्तों, चेना फजेंडा झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो दोस्तों फजेंडा है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि चेना झूमिंग एवं मिल्पा एक चलवासी कृषि, जबकि दोस्तों फजेंडा क्या है? दोस्तों फजेंडा ब्राजील में कहवा के बागानों को कहा जाता है। फजेंडा ब्राजील में कहवा की जो खेती होती है उसकी बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, कौन सी आम की किस्म दशहरी नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? मतलब दो चीज़ों से दोस्तों, कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो दोस्तों वो है आपका आम्रपाली। आप लोग सुने होंगे इसका नाम दोस्तों, आम खाए भी होंगे। अगला पॉइंट, भारत का महाराज जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है, तो दोस्तों कौन सी फसल? वो दलहनी फसलें हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, कल्याण सोना ये किस्म है किसकी? कल्याण सोना तो दोस्तों गेहूँ की एक किस्म है, एक प्रजाति है। अगला पॉइंट, भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमें बताना दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, तो पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य है। अगला पॉइंट, मसूर अलसी सरसों एवं सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? दोस्तों रवि, खरीफ और जायद, इनको दोस्तों आप बांट के पढ़ लीजिएगा। इनके दोस्तों समय क्या होता है, इनका बुआई का समय क्या, अब इनका कटाई का समय क्या, दोस्तों इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि ग्राम सामाजिक विकास के दोस्तों ये मेन क्वेश्चन हैं जो आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मसूर अलसी सरसों सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो क्या दोस्तों? सोयाबीन है। सोयाबीन क्या है दोस्तों? ये खरीफ की फसल है, जबकि मसूर हम लोग जानते हैं दोस्तों अलसी भी है, सरसों भी है, दोस्तों हमारी कौन सी? रबी की फसलें हैं, क्योंकि दोस्तों ये नवंबर और दिसंबर में बोई जाती हैं और दोस्तों मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कितना दोस्तों? 100 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, एक मिनट दोस्तों, एक पॉइंट हमारा छूट रहा है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो बीज से होते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो बीज से। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश, हम लोग जानते हैं दोस्तों शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गन्ने की खेती दोस्तों यूपी में की जाती है, दोस्तों शक्कर उत्पादन में यानी चीनी उत्पादन में भारत में हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चना सरसों कपास एवं गेहूं में से राजस्थान की किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? चना सरसों कपास एवं गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों राजस्थान इसमें से सरसों का अधिकतम उत्पादक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत को तीन चौथाई से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। अगला पॉइंट, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, तो कहाँ पे होती है दोस्तों? वो असम में होती है। अगला पॉइंट, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्तों? तो है केरल। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक वो केरल है। यहीं पर अगर दोस्तों विश्व में पूछ लिया जाएगा तो आप दोस्तों प्राकृतिक का तो दोस्तों इंडोनेशिया होगा, और कृत्रिम रबड़ आएगा दोस्तों तो यूएसए में आएगा। विश्व लेवल पर दोस्तों इसमें यानी दोस्तों अगर विश्व पे पूछा जाए तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक प्राकृतिक रबड़, एक कृत्रिम रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ दोस्तों इंडोनेशिया होगा और कृत्रिम रबड़ दोस्तों वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों कर्नाटक में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। अगला पॉइंट, विश्व में चाय के उत्पादन और उपयोग में
विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा था। क्या दोस्तों? क्रमशः द्वितीय एवं प्रथम। क्रमशः पहले द्वितीय था, पहले अब द्वितीय दोस्तों, पहले क्या था? प्रथम था। अगला पॉइंट, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च लोकेशन बताने दोस्तों। डायरेक्टरेट आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसलिए हम पॉइंट को बार बार यानी क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च लोकेशन दोस्तों ये कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। अगला, डायरेक्टरेट ऑफ हुट रिसर्च, तो दोस्तों करनाल में है। ठीक दोस्तों, आप पकड़ने की कोशिश की बात को ही दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है, उसके बाद दोस्तों इसमें गेहूं का है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। इसी तरह से दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, तो कहाँ पे है दोस्तों? यह है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च कहाँ पे है दोस्तों? तो कानपुर में। अगला पॉइंट, ईरी रेशम का उत्पादन, ईरी रेशम का उत्पादन तो ये दोस्तों असम में है। सहतूत रेशम का उत्पादन, तो सहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक में है। टसर रेशम का उत्पादन दोस्तों तो झारखंड में सबसे ज़्यादा। और मालवीय चमत्कार एक प्रजाति किसकी दोस्तों? मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, एक किस्म है किसकी? वो अरहर की है। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद दोस्तों मैं संधान थे कौन कौन से दोस्तों। ईरी रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों वो असम में, सहतूत रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों कर्नाटक, टसर रेशम का उत्पादन दोस्तों झारखंड, और मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है वो अरहर की। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है दोस्तों तो है कुफरी चिप्सोना टू, कुफरी चिप्सोना टू। अगला पॉइंट देखेंगे, चीन भारत जापान एवं जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो दोस्तों चीन में। हम लोग जानते हैं चीन विश्व में चावल के उत्पादन में अग्रणी है। अगला पॉइंट, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण प्रणाली दोस्तों क्या कहा जा रहा है? कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण प्रणाली यानी ट्रेनिंग विजय सिस्टम अपनाने वाला राज्य था कौन सा था दोस्तों? कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला राज्य था यानी ट्रेनिंग विजिट सिस्टम तो था दोस्तों राजस्थान। अगला पॉइंट, कल्याण सोना, सोनारा 64, शरावती, सोनारा और सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो कौन सी है दोस्तों? शरावती सोनारा, शरावती सोनारा। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत तो दोस्तों है नलकूप। अगला पॉइंट, राजस्थान पंजाब हरियाणा, राजस्थान पंजाब हरियाणा एवं महाराष्ट्र में से कौन किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य? दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला प्रथम राज्य, इन विकल्पों चारों में से पूछा जा रहा है, तो कौन सा राज्य है प्रथम दोस्तों? वो है पंजाब। अगला पॉइंट, मही सुगंधा की किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा किसकी किस्म है दोस्तों? तो ये धान की एक किस्म है या प्रजाति है। अगला पॉइंट, पूसा RS10, पूसा सुगंध 3 और पूसा बासमती और पूसा सुगंध 5 में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पूसा RS10, पूसा सुगंध 3, पूसा बासमती और पूसा सुगंध 5 में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो दोस्तों है पूसा RH10, पूसा RH10। अगला पॉइंट, राज 3077 ऐसा कह सकते हैं, एक प्रजाति है किसकी? राज 3077 एक प्रजाति है, वो है गेहूं की। अगला पॉइंट, ICAR दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक हमें बताने हैं तो दोस्तों हैं डॉक्टर एस अयप्पन। दोस्तों ये अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इन पे ध्यान दीजिएगा, एक जल्दी के दोस्तों सब करंट के हैं, यहाँ से दोस्तों आपको परिवर्तन काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, इनका रिवीजन करें और अपने होने जा रहे दोस्तों राजस्व लेखपाल व वनडे के विभिन्न एग्जामों के लिए आप प्रिपेयर हों। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों,
धान की उत्पत्ति हुई तो कहाँ से हुई थी दोस्तों? धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला पॉइंट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये चार विकल्प हो गए दोस्तों, में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नहीं बताने हैं तो दोस्तों उड़ीसा होगा, नहीं बताने हैं दोस्तों तो उड़ीसा, यानी इलायची का उत्पादन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में नहीं बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इनका उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, फिर चार विकल्प हैं दोस्तों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का सबसे बड़ा दोस्तों वो तमिलनाडु, केले का भी तमिलनाडु, हम लोग देख ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में, और भारत कृषि अनुसंधान परिषद हम लोग जानते हैं नई दिल्ली में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, पूछा जा रहा है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान जो है, अनुसंधान केंद्र, वो मेरठ में है। और अगला पॉइंट दोस्तों, साधारणतः ओरो बैंकी खरपतवार पाया जाता है, खरपतवार पाया जाता है कहाँ पे दोस्तों? तो तंबाकू के खेत में। अगला पॉइंट, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं सोयाबीन के दाने में प्रोटीन के लिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सोयाबीन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और आज का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अलसी सूरजमुखी मूंगफली और लोबिया में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसल है दोस्तों? दो दल वाली, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देना है। अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लोबिया में से कौन सी दो दल वाली तिलहनी फसल है दोस्तों? तो मूंगफली है। मूंगफली में कितने दल होते हैं दोस्तों? दो दल होते हैं, हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी इजी है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए काफ़ी क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर किया है। इसी तरह के दोस्तों और भी जितने क्वेश्चन ग्राम समाज एवं विकास से बनते हैं वो हम लोग दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए इसी तरह से कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।